दोस्तों आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा बुलबुल का घोंसला, असली घोंसला, नकली घोंसला, नकली घोंसले में असली चिड़िया, असली घोंसले में नकली चिड़िया। अभी देखो वीडियो में इंटरेस्ट आएगा आपको। ये देखो ये बुलबुल का असली घोंसला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ असली घोंसला। ये देखो इसमें बना रखा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि ये इसमें से अंडे गिर जाते थे। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ नकली घोंसला। देखो ये जो है ये बुलबुल का नकली घोंसला है, ये हाथ से बनाया हुआ है और इसमें ये नकली चिड़िया है। एक ये घोंसला है और एक ये दिख रहा हुआ है, एक ये घोंसला है। ये दो घोंसले हैं, ये दोनों मैंने बनाए ताकि बुलबुल यहाँ आए, उसमें रहे और उसके अंडे भी सुरक्षित रहे। दोस्तों तो आपने देखा घर में बुलबुल के नकली घोंसला भी है और असली घोंसला भी है। अब जो नकली घोंसला हमने बनाया था हाथ से, उसमें आकर बुलबुल रहने लगी है और अब देखते हैं उसमें बुलबुल के, मुझे लग रहा है उसमें अंडे हैं। तो अब देखते हैं कितने अंडे हैं और किस कलर के हैं, सब देखेंगे। और जब उसमें बच्चे निकल आएंगे फिर दिखाऊंगा मैं आपको, फिर बच्चे बड़े होंगे फिर दिखाऊंगा, लास्ट तक दिखाऊंगा जब तक बुलबुल उस घोंसले में रहेगी, उसके बच्चे रहेंगे और चले जाएंगे तो लास्ट में बड़े हो जाएंगे फिर तो चले जाएंगे। चलो चलते घोंसले में देखते हैं। घोंसले में चिड़िया बैठी हुई है, मैं चुपके चुपके चिड़िया के पास जा रहा हूँ, आप देखते रहो। चिड़िया को जैसे ही पता चलेगा थोड़ी भी से आट होगी, चिड़िया एकदम उड़ जाएगी, आप देखते रहो। मैं जा रहा हूँ, देखो ये है, ये चिड़िया की पूंछ दिख रही है और ये देखो बिल्कुल असली चिड़िया नकली घोंसले में बैठी हुई है। अब देखो से पता चल गया एकदम उड़ गई, कोई बात नहीं है, और दिखाएंगे आपको। दोस्तों इस घोंसले में तीन अंडे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तीन अंडे रखे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, तीन अंडे रखे हैं इसमें, ये बुलबुल के, और ये आवाज़ जो है बुलबुल की है। देख सकते हैं चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। देखो देख सकते हैं। दोस्तों 10 से 15 दिन हो गए, अब देखते हैं कि उस अंडों में से बच्चे निकले या नहीं निकले। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने सीढ़ी लगा रखी है, अब इस पे चढ़ते हैं। बच्चे निकल आए हैं, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बहुत छोटे छोटे मुझे दिख रहे हैं अभी, मैं आपको दिखाता हूँ उनको। ये घोंसला देख ही रहे होगे आप, और ये देख रहे हो बिल्कुल छोटे छोटे ये बुलबुल के बच्चे हैं, बहुत छोटे। अब ये देखो मुंह खोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि माँ आ गई इनकी। और चिड़िया जो है अभी, जो बुलबुल है वो अभी क्या कहते हैं दाना लेने गई है इनके लिए। ये थोड़ा सा एक्टिव है, तीन है इसमें, तीन मैं दिखा रहा हूँ, तीन है ये, तीन देखें छोटे छोटे। अब जब ये और बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों पिछली बार जब हमने देखा था तो करीबन उसके बाद से 10 से 15 दिन हो गए, अब देखते हैं कि चिड़िया के बच्चे कितने बड़े हो गए। अभी दिखाता हूं मैं इसको, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए और इनके पर भी निकल आए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो दो बच्चे हैं, एक किधर गया ये मुझे नहीं पता चल रहा है। ये देखो दोनों बढ़िया हैं और इनके पर भी निकल आए, पिछली बार दिखाया था तो पर नहीं निकले थे, अब इस बार इनके पर भी निकल आए, मतलब काफ़ी दिन हो गए ना उसके बाद देखा, 10 से 15 दिन हो गए। अब उसके बाद और बड़े हो जाएंगे तभी दिखाएंगे। चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर निकल आया, ये देखो ये बैठा हुआ है, चिड़िया ने इसे बाहर निकाल दिया है, ये देख सकते हैं। ये देखो ये बैठा हुआ है, ये घोंसले से बाहर निकला है, ये बेटा ये बुलबुल का बच्चा है और ये घोंसले से बाहर निकला है। ये मैं दिखाता हूँ और मैं इसको यहीं बिठा दूंगा, ये देखो बुलबुल का बच्चा है, ये बुलबुल का बच्चा, अब मैं इसको इधर ही बिठा दूंगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो हो गया। ये बेटा घोंसले से बाहर निकला है, ये देख सकते हो, ये जा रहा है,
देखो देखो बैठे हुए, एक तो ये बाइक के व्हील पर बैठा है देखो ये, और एक ये बैठा हुआ है। ये देखो बुलबुल का बच्चा है, कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया दोनों बच्चे। अब डर नहीं रहे ये ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे उन्हें कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर देखो ये बैठे हुए, अब ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद ये चले जाएंगे। घोंसले से निकलने के बाद इनका दूसरा दिन है, देखो आपको दिख रहा होगा ये बड़ा हो गया बच्चा, ये बैठा है। देखो ये बुलबुल का बच्चा है और अब ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, कल से तो बड़ा ही लग रहा है, इसमें एक ही दिन में काफ़ी प्रोग्रेस लग रही है। ठीक है, अब देखते रहो दूसरा दिखा रहा, दूसरे में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है, दूसरा दिखाता हूँ आपको। दूसरा है, इसके लिए मैंने इनके लिए पानी रख दिया है, ये देखें दूसरा, ये काफ़ी छोटा है, इसमें उसके कंपेरिजन में कम प्रोग्रेस हुई, पानी भी रख दिया मैंने। अभी ये यहीं घूम रहे हैं, अभी एक दो दिन और लगेगा तभी ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, फिर ये उड़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।